नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकीडी की रहने वाली साहिबा किन्नर ने बस्ती के सूरज मुखिया पर घर के सामने का मंदिर तोड़ने का आरोप लगाते हुए जिले के एसपी से मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जानकारी देते हुए साहिबा किन्नर ने बताया कि उसकी 3-4 पीढ़ी धातकीडी स्थित मेडिकल बस्ती में रह रहे हैं, जहां उसके घर के समीप एक मंदिर था जिसमें वे पूजा पाठ किया करते थे, जिसे बगैर सूचना दिए सूरज मुखिया द्वारा तोड़वा दिया गया। वहीं इसको लेकर किन्नर समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। धातकीडी मेडिकल बस्ती की साहिबा किन्नर रहने वाली हूँ मैं, हमेशा वहीं से पे हम मतलब रहती हूँ 3-4 पीढ़ी से। मेरा मंदिर घर सामने में है और मेरा मंदिर को मुझे बोला नहीं, कुछ नहीं, अचानक मैं जानती भी नहीं आके मेरा मंदिर को तोड़ दिया समय सूरज मुखिया कल 3:30 बजे। आज मैं एसपी को सूचना देने आया हूँ कि निवेदन करना चाहते हैं कि उसके प्रकार सख्त सजा और होना चाहिए और ऐसे किसी को भी व्यक्ति को करे नहीं, खास करके हमारे किन्नर समाज के। जिम संचालकों को लॉकडाउन के कारण लगे प्रतिबंधों के कारण अब तक राहत नहीं मिलने से शहर के जिम संचालक उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने शहर के जिम खानों को खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। वैसे जिले के उपायुक्त से उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान इस संबंध में जिम संचालकों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनकी माली हालत काफी दयनीय हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अनलॉक 1 के बाद से धीरे धीरे शहर के अन्य संस्थान खुलने लगे हैं। ऐसे में उन्हें अगर जल्द ही जिम खोलने की अनुमति नहीं मिलती है तो जिम के संचालक और ट्रेनर बेरोजगार हो जाएंगे। सारे जमशेदपुर के सारे जिम के ओनर्स और ट्रेनर्स यहाँ मौजूद हैं और इससे पहले भी 12 तारीख को हम लोग यहाँ आए थे पहले भी, और यहाँ पर अपना एक एप्लीकेशन दे के गए थे। क्या मांग कर? बस यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जिम ओपन किया जाए। जैसे अभी झारखंड जमशेदपुर में सब जगह सारी दुकानें खुल रही हैं, सारे मॉल खुल रहे हैं, और अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट्स में भी थोड़ी थोड़ी भीड़ हो रही है, और जैसे हमारा जिम है ये टोटली क्लोज है, पिछले 3-4 महीने से टोटली क्लोज है, एक रुपया हम लोग को नहीं आ रहा है वहाँ से, और इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ हम लोग डीसी सर से मिलने आए थे पर अभी तो मुलाकात नहीं हुई उनसे हम लोग की। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।